तो मूवी की स्टार्टिंग में हम हच नाम के व्यक्ति को देखते हैं, जिसे दो पुलिस वाले इंट्रोगेशन कर रहे होते हैं। हच उनसे कहता है कि वह एक आम इंसान है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हच अपने ससुर की फैक्ट्री में काम करता था। सुबह काम पे जाना और रात को घर आकर सो जाना, यही उसकी एक बोरिंग लाइफ थी। वह ऐसी निराशा भरी जिंदगी जी रहा था। तभी एक रात उसके घर में दो चोर घुस आते हैं और एक पॉट में रखे पैसे को चोरी कर लेते हैं। तभी उनमें से एक चोर को उसका बेटा पकड़ लेता है, लेकिन हच उन चोरों को शांति से बिना लफड़े के ही जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद हच का बेटा उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है कि उस चोर को उन्होंने ऐसे कैसे जाने दिया। पुलिस आती है और इंक्वायरी करके वहां से चली जाती है। असल में हच इंटेलिजेंस एजेंसी का एक रिटायर्ड एडिटर था, जो पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी फैमिली के साथ शांत जीवन बिता रहा था। कल रात वाली घटना को जानकर हच का पड़ोसी उसे लूजर समझकर चिढ़ाने लगता है। हच फैक्ट्री जाता है, जहां उसका साला उसे लूजर समझकर उसे सेफ्टी के लिए एक गन देता है। हच उस फैक्ट्री को खरीदना चाहता था, इसलिए वह अपने ससुर से बात करता है। थोड़ी देर बाद हच को एक सीक्रेट ट्रांजिस्टर से उसके फ्रेंड हैरी का कॉल आता है, जहां उन दोनों की चोरी वाली घटना पर बात होती है। हच उनसे कहता है कि वे दो लोग थे, जिनमें से एक औरत है और उस लड़की के हाथ में गन था जो कि खाली था। उसके हाथ में एक टैटू भी था, जिसके सहारे वह उस लड़की का पता लगाएगा। उसके बाद हच अपने घर जाता है, जहां उसकी बेटी उससे कहती है कि उसका एक ब्रेसलेट चोरी हो गया था, जो कि उसी पॉट में था जिसमें से पैसों की चोरी हुई है। हच तुरंत वहां से निकलकर अपने पिता के पास जाता है, जो कि एक रिटायर्ड एफबीआई एजेंट थे। वह उनका आईडी और गन लेकर उस लड़की की तलाश में निकल जाता है। हच एक टैटू शॉप में जाता है, जहां वह एफबीआई की आईडी को दिखाता है और टैटू वाली लड़की की पूछताछ करने लगता है। आईडी देखकर वे लोग गुस्सा हो जाते हैं। हच उन्हें पैसे देने की कोशिश करता है। तभी उनमें से एक की नज़र हच के टैटू पर पड़ती है और वह उससे डरकर अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। और उसे ऐसा करता देख दूसरा आदमी उसे उस लड़की की जानकारी दे देता है। हच सीधे उस लड़की के घर पहुँचता है और उसके पति को मारकर घायल कर देता है। हच काफ़ी गुस्से में था, इसलिए वह अपनी बेटी के ब्रेसलेट के बारे में उनसे पूछताछ करता है। तभी उनके बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर वह एक कमरे में जाता है और उनकी हालत को देखकर बिना कुछ किए ही वहां से वापस आ जाता है। हच अपने अंदर दबे हुए गुस्से को निकालना चाहता था। वह घर जाने के लिए एक बस में सफ़र करता है। तभी बस के अंदर कुछ रशियन गुंडे आ जाते हैं और बस में बैठी लड़की को छेड़ने लगते हैं। हच अपनी सीट से उठता है और बस की लेडी ड्राइवर को नीचे उतार कर दरवाज़ा बंद कर देता है। हच उन सभी को वहां से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन वे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनमें से एक हच पर हमला कर देता है और हच एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। हच इस हमले में काफ़ी घायल हो जाता है, लेकिन हच उन सभी की वाट लगाकर वहां से निकल जाता है। आगे हम एक रशियन माफिया यूलियान को देखते हैं, जो कि काफ़ी गुस्सेल और अड़ियल है और जिसे हच ने मारा उसमें से एक उसका भाई था। यूलियान के आदमी उसे बताते हैं कि एक अकेले आदमी ने उन्हें मारा है, जिससे यूलियान काफ़ी गुस्सा हो जाता है। उनमें से एक के पास हच का क्रेडिट कार्ड होता है, जिससे हच का एड्रेस उन्हें मिल जाता है। दूसरी ओर हच के पास हैरी का कॉल आता है। वह उसे बताता है कि जिस आदमी को उसने मारा है उनमें से एक यूलियान का भाई है और वह एक बहुत बड़ा माफिया है, जो कि अपने दुश्मन के पूरे परिवार को मार डालता है और उसने एक बहुत बड़ा पंगा उससे ले लिया है। हच अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन्हें घूमने जाने की बात उनसे कहता है। तभी यूलियान के आदमी उसके घर पर आ जाते हैं। हच सभी को एक सीक्रेट बेसमेंट में छुपा देता
देता है और कहता है कि वे पुलिस को फोन न करें, वह सब संभाल लेगा। हच घर की लाइट बंद कर उन्हें एक एक कर चुन चुन कर मारने लगता है, लेकिन हच पकड़ा जाता है और वे उसे गाड़ी में बंद कर जूलियन के पास ले जा रहे होते हैं। तभी हच को होश आता है और वह कार में पड़े एक सिलेंडर से कार में धुआं कर देता है, जिससे ड्राइवर को सामने कुछ दिखाई नहीं देता और कार अनकंट्रोल होकर पलट जाती है। हच कार से निकलता है, तभी उनमें से एक आदमी मरते हुए उसे पूछता है कि वह कौन है। हच उसे बताता है कि वह एक इंटेलिजेंस एजेंसी में ऑडिटर था, जिससे कोई भी खूंखार अपराधी पंगा लेने से डरता था। हच अपने पिता को कॉल करके कहता है कि उसने एक बहुत बड़ा पंगा खड़ा कर दिया है, वे संभल कर रहें, और सीधे अपने घर जाकर बेसमेंट से अपनी फैमिली को सुरक्षित बाहर निकालता है और सबको कहीं दूसरी सुरक्षित जगह भेज देता है। हच को अपनी बेटी का ब्रेसलेट अपने ही घर में मिल जाता है। वह अपने घर को आग लगाकर फैमिली के सारे सबूत मिटा देता है ताकि जूलियन को किसी का पता ना चल सके। हच अपने पड़ोसी की कार चोरी कर अपने सिगरेट अड्डे से गोल्ड बिस्किट ले जाकर अपने ससुर को दे देता है और उनकी फैक्ट्री खरीद लेता है। आगे वह फैक्ट्री के अंदर जूलियन को मारने के लिए एक जानलेवा ट्रैप तैयार करता है। हच सीधे जूलियन के ऑफिस जाता है, जहां वह उसके सारे आदमियों को मारकर उसके सारे पैसों को आग लगा देता है और सीधे जूलियन के पास पहुंचता है। वे लोग हच को मारने के लिए गन उठा लेते हैं, लेकिन हच अपने साथ एक टाइम बॉम्ब लाया था, जिसके पिन को निकालते ही सभी के चिथड़े उड़ सकते थे। हच जूलियन से कहता है कि उसने उसके अड्डे के सारे पैसे जला दिए हैं। वह जूलियन को एक मौका देता है कि वह उसकी फैमिली से दूर रहे और वहां से कहीं दूर चला जाए। हच के जाते ही जूलियन अपने आदमियों से कहकर उस पर हमला कर देता है। हच उनसे बचते हुए फैक्ट्री में जाता है, जहाँ वह जूलियन की गोली से घायल हो जाता है। तभी उसके दोस्त हैरी की एंट्री होती है, जो दुश्मनों पर हमला कर देता है। हच के पिता भी गुंडों को मारने में उसकी मदद करते हैं। वे तीनों फैक्ट्री के अंदर जूलियन के आदमियों को अपने ट्रैप में फंसाकर एक एक कर मारने लगते हैं। मूवी का यह लास्ट सीन काफ़ी क्रिएटिव और रोमांचक है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। आगे हैरी जूलियन के हमले से घायल हो जाता है और तीनों की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। तभी हच अपनी लास्ट ट्रिक आजमाता है और अपने पास रखे बम को एक बुलेट प्रूफ कांच के सामने लाकर जूलियन की ओर बढ़ता है। वह जैसे ही जूलियन के पास पहुंचता है, उसका पिन निकाल देता है और एक जोरदार धमाका होता है, जिससे जूलियन मारा जाता है। हच अपने पिता और हैरी को वहाँ फैक्ट्री से निकल जाने के लिए कहता है। तभी थोड़ी देर बाद पुलिस हच को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद पुलिस के पास किसी का कॉल आता है और वे हच से बिना पूछताछ किए उसे छोड़ देते हैं। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि हच अपनी पत्नी के साथ एक नया घर खरीदने के लिए आया है। तभी एक अननोन नंबर से उसके पास कॉल आता है और फिर वह पूछता है कि इस घर में बेसमेंट है कि नहीं, यानी कि मूवी का सेकंड पार्ट भी जल्द ही आने वाला है। आगे हम हैरी और हच के पिता को देखते हैं, जो कि ढेर सारा गन लेकर कहीं जा रहे होते हैं, और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।